देश में रोजाना कोरोना के नए मामलों में मामूली कमी जारी है। सोमवार को 10,715 नए केस दर्ज किए गए। पिछले दिन की तुलना में 5,523 नए केस मिले हैं। आपको बता दें कि कोरोना से मरने वालों की संख्या 24 घंटों के अंदर 25 से घटकर 17 रह गई है। वहीं देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,30,456 है। रविवार को इसका आंकड़ा एक बैच तो वहीं रविवार को इसका आंकड़ा 1,29,141 था। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 9,518 दर्ज की गई है। आपको बता दें कि देश भर में सबसे ज्यादा मामले और मौतें तमिलनाडु में हुई। पिछले 24 घंटे में यहां 2,448 नए केस दर्ज किए गए। गलीमत रही कि कोरोना से अभी तक किसी व्यक्ति की जान नहीं गई। राज्य में एक्टिव केस की बात करें तो 18,802 बताए जा रहे हैं। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,465 है और वहीं पॉजिटिव रेट 8.07 दर्ज किया गया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,915 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की मौत हुई। तो वहीं राज्य में कुल कोरोना संक्रमण के मामले 20.53 लाख से ज्यादा हो गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना से रिकवर होकर घर जाने वाले मरीजों की संख्या 967 पाई गई है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में एक्टिव केस 24,209 है। यहाँ पॉजिटिव रेट 21.29% दर्ज किया गया। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 21,246 हो गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1,169 नए केस दर्ज किए गए, जबकि एक दिन पहले यहां पर 2,591 नए केस दर्ज किए गए थे। राज्य में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 18,027 और पॉजिटिव रेट 4.96% दर्ज किया गया है। वहीं सोमवार को कोरोना से 2 लोगों की जान चली गई। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,529 बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।